MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे अजान देने की शुरुआत कब से हुई। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, अजान एक ऐसा खूबसूरत ऐलान है जिसके जरिए लोगों को इस्लाम की अहम इबादत नमाज की तरफ बुलाया जाता है। अजान जितनी अच्छी होगी उतना ही लोग नमाज की तरफ ज़्यादा आएंगे। आइए आपको बताते हैं कि अजान की शुरुआत कब से हुई। अजान की बाकायदा शुरुआत 1 हिजरी मुताबिक 622 ईस्वी को हुई और बनू उमैया हुकूमत ने सबसे पहले 2 आदमियों की एक साथ अजान की शुरुआत की। हालांकि एक ही अजान नमाज के लिए काफ़ी है और यही असल भी है कि नमाज के लिए सिर्फ एक ही मर्तबा अजान दी जाए। आजकल जो अजान के बाद जमात खड़ी होने से पहले दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, इसकी शुरुआत शाबान 791 हिजरी में नजमुद्दीन तुनैदी के हुक्म से हुई, हाशिया तहावी पेज नंबर 193। हालांकि असल यही है कि नमाज के लिए सिर्फ एक ही मर्तबा अजान हो, उसके बाद ना दोबारा अजान दी जाए और ना ही दुरूद और सलाम पढ़ा जाए। तो नाजरीन, आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि सबसे पहले अजान की शुरुआत कब से हुई। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज़ सुबह 11 बजे अनमोल खजाना का एपिसोड ज़रूर देखा कीजिए। चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।